नमस्कार, मैं सुषमा कुशवाहा। मेरे चैनल सुषमा अपनी रसोई लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो झारखंड की पारंपरिक मिठाई है जिसका नाम दुधौरी है। दूध, अरवा चावल और चीनी से बनी दुधौरी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार होती है, पर यह कहीं भी होटल या दुकान पर नहीं मिलती है। इसे खाने के लिए आपको अपने घर पर ही बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है आज से सैकड़ों साल पहले, जब शहरों तक लोगों का आना जाना बहुत कम होता था और आज की तरह हर चौक चौराहे पर मिठाई की दुकान नहीं होती थी, तो गांव में लोग अपने घर पर ही मौजूद सामान से मिठाइयाँ, जैसे आटे से गुलगुल्ला, मैदे से मालपुआ और नए अरवा चावल से दुधौरी आदि बनाकर अपने त्यौहार का आनंद लेते होंगे। तो देर ना करते हुए मैं दुधौरी बनाना शुरू करती हूँ। दुधौरी बनाने के लिए मैं एक कटोरी अरवा चावल, एक कटोरी चीनी, थोड़ी सी इलायची पाउडर और 3 कटोरी दूध ले रही हूँ। एक मोटे तल वाली कढ़ाई में 2 कटोरी दूध डालकर गरम कर ले रही हूँ। मैं यहाँ खीर बनाने के लिए छोटे दाने वाले अम्बे मोहर चावल ले रही हूँ, जिसे गांव में मही का चावल भी बोलते हैं। अगर आपके पास खीर बनाने वाली चावल नहीं है तो आप कोई भी अरवा चावल ले सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि दुधौरी उसना चावल की नहीं बनती है। मैं यहाँ अरवा चावल को अच्छे से धोकर 10 मिनट तक फुलाकर छान ली हूँ। अब दूध उबलने लगा है तो मैं इसमें भिगोया हुआ चावल डाल दे रही हूँ। अब चावल को चलाते हुए पका ले रही हूँ। चावल को हमें खीर के जैसी ही पकानी है। अगर आप पहली बार दुधौरी बना रहे हैं तो सारा दूध एक साथ ना डालें। पहले थोड़ी दूध डालकर चावल को पकने दें, फिर थोड़ी थोड़ी दूध डालते रहें और चावल को पकाते रहें। देखिए, चावल पूरी तरह से पका नहीं है तो मैं 1 कटोरी दूध और डालकर चावल को अच्छे से पका ले रही हूँ। अब चावल लगभग 90% पक गया है। देखिए, चावल के दाने दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं उंगलियों के बीच मसल रही हूँ तो मसला जा रहा है, मतलब दुधौरी बनाने के लिए चावल पककर तैयार हो गया है। तो इसमें इलायची पाउडर और थोड़ी सी चीनी डालकर मिला ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो अब आप यहाँ चीनी स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे एक बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। उसके बाद एक बर्तन में 2 कटोरी पानी, 1 कटोरी शक्कर डालकर चाशनी बना ले रही हूँ। चाशनी 5 मिनट पकानी है। यहाँ हमें ध्यान रखनी है कि चाशनी तार वाली नहीं बनानी है। अब चाशनी बनकर तैयार हो गई है। खीर का चावल ठंडा हो गया है, मैं इसे हाथों से मसल मसल कर दुधौरी बनाने के लिए तैयार कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं अपने हाथों में घी लगाकर छोटे छोटे दुधौरी बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। आप दुधौरी को गोल या सिलेंडर के आकार का भी बना सकते हैं। यहाँ मैं दुधौरी को सिलेंडर आकार दे रही हूँ।
दूधौरी अब तलने के लिए तैयार है। अब एक कढ़ाई में तेल डालकर मैं गरम कर ले रही हूँ। यहाँ आप चाहे तो दूधौरी को घी में तल सकते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं एक एक करके दूधौरी को तलने के लिए कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब आप दूधौरी को तेल में डालेंगे तो तेल फुल गरम होना चाहिए, गैस की आँच तेज होनी चाहिए। अगर तेल कम गरम होगा तो दूधौरी तेल में फूटकर बिखर सकती है। दूधौरी तेल में डाल देने के बाद गैस मीडियम कर देनी है और मीडियम आँच में सुनहरा कलर आने तक दूधौरी को तल लेना है। देखिए दूधौरी सुनहरे कलर की हो गई है। तो अब मैं दूधौरी को तेल से निकाल कर चाशनी में डाल दे रही हूँ। दूधौरी बनकर खाने के लिए तैयार हो गई है। देखिए दूधौरी कितना स्वादिष्ट और लाजवाब बना है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो में लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।